ये तस्वीर बदलाव की है, बदलाव बंजर होती जिंदगी में उम्मीदों के पानी से सुखद बयार लाने की। कभी घर में चूल्हा चौका करने वाली ये महिलाएं अब अपने परिवार का आर्थिक आधार हैं। ये कहानी है 11 महिलाओं की जिनकी जिंदगी शिवराज सरकार के स्वरोजगार योजना से बदल गई है। बुरहानपुर जिले के गांव बसाड़ में रहने वाली यह महिलाएं 3 साल पहले तक सामान्य गृहिणी थी, लेकिन अब अपने पैरों पर खड़ी हैं। सरकार की स्वरोजगार योजना के तहत 50,000 रुपए का लोन लिया और अब इनकी कमाई लाखों में है। खुद सुनिए इस समूह की महिलाओं से कि कैसे शिवराज सरकार से अपने सपनों को पंख लग गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम रजनी ठाकुर है, मैं ग्राम बसाड़ से हूँ और मेरे समूह का नाम साईराम है, मेरे संगठन का नाम एकता महिला है और मेरे सेलेब का नाम गरिमा है। मेरे समूह में हम लोगों ने 10 दीदियां हैं। 10 दीदियों में हमने स्वरोजगार से 50,000 का लोन लिए थे। 50,000 के लोन में हमको 3 साल का टारगेट था नर्सरी का। 3 साल के टारगेट में हमारा पहले साल का हमको 1.5 लाख पौधे का था, तो हमारे 1.5 लाख पौधे तैयार भी हो गए थे और बिक भी गए थे। पहले साल में ही हमको उसका मुनाफा हो गया था। दूसरे साल में हमने 2.5 लाख के पौधे बेचे थे और अभी हमारा ये 3री साल चल रहा है। 3रे साल में अभी हमारा टारगेट तो होने वाला, लेकिन हम 52 लाख की नर्सरी में से हमारी बचत ज़्यादा हो गई है। जितने का टारगेट था उससे कई ज़्यादा हमारा पैसा बच गया है। पहले तो हम लोग कुछ नहीं करते थे, घर की गृहणियाँ थी सब दीदियाँ, लेकिन जब स्वयं सहायता समूह आया, मामा जी ने योजना चालू करी स्वरोजगार वाली, तो हमारी दीदियाँ एक एक करके बसाड़ से पूरी दीदियाँ जुड़ गई। हमारे गांव में 18 समूह है, 18 समूह में से एक साईराम समूह को ये नर्सरी का काम मिला है। अब सभी दीदियाँ आत्मनिर्भर बन गई और इसमें से दीदियों को 200 या 300 रुपये रोज की मजदूरी मिलती है। लाखों रुपये कमाने लग गए इन महिलाओं के समूह ने। 2021 में ओम साईराम समूह का पंजीकरण करवाया। तो रोजगार योजना के तहत लिए लोन से महिलाओं ने 1 दर्जन से अधिक प्रजाति के पौधे तैयार किए। अब बुरहानपुर के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी उनके पास ऑर्डर आ रहे हैं। करते थे और आप किस तरह से कमाई हो रही है? नमस्कार, मेरा नाम उषा गगन सिंह वर्मा है, मैं ग्राम बसाड़ से हूँ। वहाँ हमने सब समूह बनाया है। पहले तो हम लोग घर की गृहणियाँ है, घर में ही सब कुछ काम करती थी, ऐसे कोई बाहर कोई काम नहीं करती थी। पर ये नर्सरी जैसे ही तैयार हुई, समूह में हमको नर्सरी मिली, इसके द्वारा हमको समूह से स्वरोजगार मिला, जिससे हम अब घर छोड़ के यहाँ आके हमारा काम करते हैं। अच्छे से हमको यहाँ पे मुनाफा भी हो रहा है, जैसे पेड़ वृक्ष हमने जो पौधे लगाए हैं वो पौधों से हम अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं और हमको रोजगार भी अच्छे से प्राप्त हुआ है। सर, सभी दूर के लोग आते हैं यहाँ से, अन्य फलदार वृक्ष हैं, पौधे हैं, सभी चीज़ें बिकती है। कौन कौन से पौधे? जाम के, सीताफल के, आम के, जामुन है, करंज है। क्या महाराष्ट्र में भी डिमांड है? जी, महाराष्ट्र में भी जाते हैं हमारे पौधे। वहाँ से ऑर्डर मिलता होगा आपको? जी, ऑर्डर आता है वहाँ से। सर, बीज डालते हैं हम, बीज डाल के उसको पानी दे के नींद गोड़ के पौधे तैयार करते हैं। 250-300 रुपये रोज की कमाई है। छोटे छोटे गांव की यह महिलाएं जो पहले सामान्य गृहणियां थी, आज न केवल आत्मनिर्भर हैं बल्कि सरकारी योजनाओं के जरिए दूसरी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा कर रही हैं।